हेलो दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसे स्टॉक को चूज़ किया हूँ, अगर आपने ख़रीदा है तो मैं उसके ऊपर बताऊँगा कि आपको होल्ड रखना चाहिए या सेल करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख रहे हो परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट, और इस यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने वाला है, जिससे आप अपना प्रॉफिट तो बुक कर ही सकते हो, अगर लॉस है तो आप एग्जिट भी कर सकते हो। तो सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि मैंने जितना भी स्टॉक ख़रीदा था सब लॉस में है और सारे लॉस में ही जा रहे हैं, क्या करना चाहिए। तो देखिए, वो जितने भी लॉस में हैं जो आपके पोर्टफोलियो में है, डीमेट अकाउंट में है, वो आपके वजह से नहीं है। ठीक है, अगर आप रीज़न देखना चाहते हो तो दोस्तों पूरा मार्केट ही गिरा पड़ा है। ठीक है, पूरा मार्केट ही गिरा पड़ा है। मैं आपको ये बोलूँगा कि आपने अगर अच्छे अच्छे स्टॉक में पैसा लगाए हैं जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, अगर चारों तरफ से वो स्ट्रांग है, अगर फिर भी वो स्टॉक तो गिरा है, तो मैं बोलूँगा उसको आप होल्ड कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आज देख सकते हो आज मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा है। यहाँ पर देख सकते हो 1500 के आसपास तो सेंसेक्स ही गिर गया, निफ्टी भी 500 के आसपास ही गिर चुका है। ठीक है, तो मैं सबसे पहला स्टॉक का नाम लेता हूँ दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर बहुत लोगों ने पैसा लगाया है बिलीव करके, कि ये बिलीव सिस्टम है कि सब लोगों को लगता है कि अंबानी भाई के पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो स्टॉक भी अच्छा खासा चलेगा, कंपनी भी अच्छा खासा चलेगा। ठीक है, लेकिन हर एक चीज़ का एक एक्सपायरी डेट आता है। तो मैं बोलूँगा अगर आप रिलायंस में पैसा लगा रहे हो तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है, नॉर्मल है। भले ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा लॉस नहीं देगा, ठीक है, भले ही आपको ज़्यादा ज़्यादा लॉस नहीं देगा, लेकिन ये आपको ज़्यादा ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं देगा। ये नॉर्मल है जो अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो एज ए सेफ्टी नाम की चीज से, क्योंकि यहां पर देख सकते हो एक साल के अंदर इन्होंने कितना दिया है, 13% के आसपास रिटर्न दिया है। ज्यादा खास नहीं है, नॉर्मल है। इसलिए मैं बोल रहा हूं जिन्होंने रिलायंस को खरीदा है, मैं बोलूंगा ठीक है, अगर होल्ड किया हो तो होल्ड करो, आपको टाइम लगेगा लेकिन निकल जाएगा, लेकिन ये स्टॉक में ज़्यादा पैसा बनने वाला नहीं लगता। ठीक है, उसके बाद ले लेते हैं दोस्तों IRCTC। ठीक है, मैं बोलूंगा IRCTC में आज बहुत ज़्यादा गिरावट हो चुका है 8% के आसपास। मैं बोलूंगा ठीक है, IRCTC में जिन्होंने भी खरीदा है उनको मैं बोलूंगा होल्ड रखने के लिए, बेचना तो नहीं है भाई, बेचने के बारे में मत सोचो। ठीक है, चाहे जो भी हो जाए आपको बेचना नहीं है। हाँ, हालांकि दोस्तों अगर मार्केट मैं थोड़ा और बहुत गिरावट होता है तो मैं बोलूँगा धीरे धीरे आप करके खरीद सकते हो, लेकिन बेचिएगा मत। ठीक है, जब नेक्स्ट मंथ में आपको मार्च के महीने में दोस्तों कम से कम 10-15 तारीख के आसपास मार्केट जो है रिकवर लेना स्टार्ट करेगा, तो वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत अच्छा बाउंस बैक देखा जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम जो है आप थोड़ा बहुत अच्छा खरीदारी भी कर सकते हो। ठीक है, तो IRCTC को आपको सेल नहीं करना है, इसको होल्ड करना है। ठीक है, किसी भी तरह से खरीदना है तो खरीद सकते हो, लेकिन सेल मत कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों टाटा मोटर। टाटा मोटर की तो बात ही खत्म है, चैप्टर क्लोज है। ठीक है, आपने खरीदा है तो पहले से भी बर्बाद, अभी भी बर्बाद, पूरा जिंदगी ही बर्बाद मान लो। ठीक है, क्योंकि देख लो, पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, एक ऑटो सेक्टर ही एक ऐसा है, ठीक है, जिसमें पैसा लगाना आजकल बहुत ज़्यादा डेंजर हो चुका है। हाँ, भले ही मैं ये बोलूँगा आयशा मोटर जैसे और भी बहुत सारे कंपनी हैं, दो चार हैं जो अच्छे अच्छे जिन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न दिया दिया दोस्तों, अब नहीं देने वाला ज़्यादा खास, क्योंकि आने वाले दिनों में जो ऑटो सेक्टर में इम्प्रूवमेंट आने वाला है वो बहुत ज़्यादा खास नहीं होने वाला। पहले पेट्रोल की दिक्कत थी, कुछ लोग ऐसे भी बोल रहे हैं कि बैटरी से आएगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगा, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगा तो दोस्तों बहुत ज़्यादा जो है उनका डिमांड बढ़ेगा तो ले सकते हैं ऑटो सेक्टर में। नहीं दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल भी जो है हमारे इंडिया को दबा के ही रख देगा, चाहे पूरे वो अगर बैटरी आ गया तो दोस्तों, पहले पेट्रोल से क्या होता था कि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम होता था, ठीक है, इन्वायरमेंट को नुकसान होता था, लेकिन जब बैटरी आ जाएगा तो दोस्तों उसके रिसाइकिल के लिए भी कोई सिस्टम नहीं बनाया गया, तो मैं बोलूँगा वो भी थोड़ा दिन चलेगा, वो भी फेल हो जाएगा। तो मैं बोलूँगा अगर आप अच्छा पैसा कमाना चाहते हो तो मैं बोलूंगा ऑटो सेक्टर से दूर हो जा। और जहां तक बात रही टाटा मोटर की, इसकी तो कहानी खत्म है। चाइना में आपको पता है कितना ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, घर से बाहर जाके खाने वाला चीज, मान लीजिए खाने के लिए कुछ लाना तो मुश्किल है, शोरूम कौन जाएगा दोस्तों, वो भी गाड़ी खरीदने के लिए, जीने के लिए ब्रेड लाना मुश्किल है, गाड़ी खरीदने के लिए जाएगा, नहीं जाएगा तो टाटा मोटर जैसे कंपनी से दूर रहो। हालांकि मैंने इसके ऊपर 3-4 वीडियो पहले ही बनाए थे, जब इसका प्राइस 160-180 के आसपास था तो मैंने 2 बार बनाया था। ठीक है, अभी भी मैं बोलूंगा ज्यादा खास नहीं है, थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे होता है भाई, निकल जाओ। ठीक है, टाटा मोटर से दूर रहो तो बेटर है। उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों वेदांता। वेदांता भी देखिए एक नॉर्मल स्टॉक बन चुका है, कोई ज्यादा खास नहीं है, निफ्टी गिरेगा तो इसको पीट देगा, समझ में आ रहा, तो ये कुछ ज्यादा खास नहीं दोस्तों, पहले से भी ये थोड़ा बहुत गिरा हुआ, तो मैं बोलूंगा ऐसे स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, अभी मैं बोलूंगा मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट है, थोड़ा गिरेगा तो और भी गिर सकता है, लेकिन ऐसे स्टॉक को हमें अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, ज्यादा खास नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बेच के निकल जाओ, लेकिन मैं बोलूंगा ज्यादा खास नहीं है। ठीक है, उसके बाद ले लेते हैं दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक ऐसा स्टॉक है दोस्तों जिसका एक आईपीओ आने वाला है, ठीक है। आईपीओ आने वाला था तो एसबीआई कार्ड लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा लगाया और फ्यूचर ऑप्शन ले लिया दोस्तों। फ्यूचर ऑप्शन में पैसा लगाया है और उन्होंने सोचा कि अगर उसका आईपीओ आएगा तो इसको भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो हमें फ्यूचर ऑप्शन में बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन बहुत अपोजिट हो गया। मैं बोलूँगा दोस्तों एसबीआई कार्ड का आईपीओ कुछ ज़्यादा खास नहीं है, ठीक है। एसबीआई कार्ड का आईपीओ कुछ ज़्यादा खास नहीं है, ये नहीं बोलूँगा कि आप अप्लाई मत कीजिए, लेकिन ज़्यादा खास नहीं है। एक होता है आईपीओ जिसमें आपको अच्छा से अच्छा रिटर्न मिल सकता है, जैसे कि IRCTC, ठीक है। तो उसी तरह दोस्तों एसबीआई कार्ड के बाद आने वाला है LIC का आईपीओ। आप उसमें पैसे लगाओ भाई, जितना पैसा है सब लगा दो, चलेगा, ठीक है। तो इस वजह से लोगों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में फ्यूचर ऑप्शन किया और आज के डेट में बहुत ज़्यादा गिरावट हो चुकी है। मैं बोलूँगा थोड़ा दूर रहो ऐसे न्यूज़ और अफवाह से, थोड़ा दूर रहा करो, ठीक है। और जिन्होंने होल्डिंग में खरीदा है उनको तो मैं बोलूँगा कि होल्ड पेशेंस रखिए, निकल जाएगा, ठीक है। और अशोक लेवलैंड, तो ये भी आता है दोस्तों ऑटो सेक्टर में, तो बात वही रह गई, ठीक है। ऑटो सेक्टर में तो अशोक लेवलैंड भी पहले दोस्तों 90 के आसपास गया था, लेकिन नहीं टिकने वाला, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा दूर रहो। और उसके बाद आ जाती है मदरसन सुमित, तो जितने भी ऑटो सेक्टर हैं साफ साफ दूर रहना, ठीक है। खरीदना तो बिल्कुल नहीं है। देखिए शेयर मार्केट में आते क्यों हैं, अच्छे स्टॉक में पोजीशन बनाए, पैसा अच्छा बनाना चाहिए, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर हमें साल के एंड में ये पता चलता है कि हमने जिन स्टॉक में पैसा लगाया था वो नॉर्मल थे, कुछ ज़्यादा खास नहीं थे, तो लगता है कि ऐसे स्टॉक में पैसा लगाना ही नहीं चाहिए था, या तो शेयर मार्केट में आना ही नहीं चाहिए था। ऐसा नहीं होता, कभी अपने ऊपर भी झांक के देखना चाहिए कि मैंने कोई गलती तो नहीं की। तो गलती ये है कि जो देखिए आप कुछ लोग ऐसे जाते हैं जो तालाब में जाते हैं, पोंड जो होता है ना घर के आजू बाजू कहीं गांव में होता है, विलेज में तालाब बोलते हैं उसको, ठीक है, हिंदी में, इंग्लिश में पोंड बोलते हैं। वहां क्या जाते हैं दोस्तों, छोटा सा रहता है, उसमें जाते हैं मछली मारने के लिए, ठीक है। अब 10 लोग जाते हैं, बहुत सारा मछली मार के लाते हैं, पूरा 2 दिन 3 दिन मतलब अच्छी तरीके से दबा के खाते हैं, इतना खाते हैं जैसे कि पूरा गांव का मछली एक दिन ही खा लेते हैं, ठीक है। अब वो इंसान कितना दिन खाएगा, क्योंकि उसके पास जो पोंड है, जो तालाब है दोस्तों, वो लिमिटेड है, इतना ही है। लेकिन आप समुंदर में चले जाओ, आपको अच्छी अच्छी मछलियाँ भी मिलेगी, और उसमें आप मतलब 1 दिन 2 दिन महीने भर मतलब आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो वहाँ से, इतना बड़ा है। क्योंकि समुंदर बहुत बड़ा है दोस्तों, जितनी भी नदी आती है सारा पानी उसमें जाता है, लेकिन फिर भी वो क्या रहता है, शांत रहता है। फिर भी आप जितना उसमें से मछली मारना जो भी करना कर सकते हो, तो वो होता है दोस्तों। ये एग्जांपल दिया मैंने आपको, मैं आपको इस एग्जांपल के माध्यम से ये समझाना चाहता हूं कि आप जिस बिजनेस में पैसा लगा रहे हो ना, उस बिजनेस के बारे में देखो, क्या वो बिजनेस इतना बड़ा, इतना स्केलअप हो सकता है कि आने वाले दिनों में मेरा पैसा बहुत अच्छा ग्रो हो जाए। क्या वो बिजनेस में इतना पोटेंशियल है कि दोस्तों आने वाले दिनों में बहुत अच्छा मेरा पैसा जो है ग्रो करके दे। तो ये सब चीज जो है आपको चेक करना चाहिए कि आपने समुद्र में पैसा लगाया है या तालाब में पैसा लगाया है। अगर आपने तालाब में पैसा लगाया है तो दोस्तों वो गोल गोल घूमते रह जाएगा, घूमते रह जाएगा, फाइनली आपको रिजल्ट आएगा कि दोस्तों लाइफ तो हमारे पास लिमिटेड थी, भले ही आप 100 साल जी लो, लेकिन 100 साल ही आपको जीना है, उसके बाद टाइम नहीं मिलेगा। तो अगर आपको पैसे ही लगाने तो अच्छी कंपनी में लगाओ, भले ही वो बड़ा है, ठीक है, तो लेकिन अच्छी कंपनी में लगाओ, ठीक है। ऑटो सेक्टर से मेरे हिसाब से दूर रहना है। और उसके बाद आता है भाई गेल, पता नहीं गेल में क्यों गिर रहा है, ये तो मैं सीधा से बात है, मार्केट गिर रहा है इसलिए ये गिर रहा है, नहीं तो और कोई वजह नहीं है इसको गिरने का, चारों तरफ से कोई वजह नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत गिर रहा है, गिर रहा है, लेकिन गेल में जिन्होंने खरीदा है मैं बोलूंगा होल्ड कीजिए, ठीक है, होल्ड कीजिए, निकल जाएंगे, टाइम लगेगा, होल्ड कीजिए, मार्केट जैसे करेक्शन होना स्टार्ट होगा टाइम लगेगा, लेकिन निकल जाएगा, ठीक है। और ICICI बैंक को ले लेते हैं भाई, ICICI बैंक ने 500 को ब्रेक कर दिया, यह बहुत बड़ी बात है। लेकिन जिन्होंने भी ख़रीदा है 540 के आसपास, 540 रुपीज़ के आसपास भी ख़रीदा है, तो मैं उनको बोलूँगा होल्ड कीजिए, ठीक है, पेशेंस रखिए, ICICI बैंक तो आपको निकाल ही देगा। ICICI बैंक में भी ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। ICICI बैंक को आप होल्ड कीजिए, ICICI बैंक आपको अच्छा रिटर्न भी दिया है 1 साल के अंदर। देखिए ये अगर आपने पैसा लगाया है तो यहाँ पर देखिए 50% का रिटर्न दिया, तो आपको लगता है कि हाँ भाई अगर मैं बिजनेस में खुद से अगर मैं बिजनेस करता तो मैं वहाँ पर, मान लीजिए आप एक बिजनेस करते, एक एग्जाम्पल के तौर पर आपने एक दुकान खोला, अच्छा ब्रांडेड दुकान खोला, ठीक है, 1 लाख रुपये आपने डाला, तो दोस्तों अगर आपने 1 लाख रुपए डाला हो तो आपको पर मंथ कितना मिलता, मान लेते 2 या 3% आपको मिलता, ठीक है, 2 या 3% ही आपको मिल सकता था। लेकिन सबसे पहले तो आपको 1 लाख तक पहुंचना होगा, जितना आपने इन्वेस्ट किया उतना तो आपको निकलना होगा ना, तो वो निकालने में ही आपको 1 साल लग जाएगा, उसके बाद आपको जो है जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट आना स्टार्ट होगा। और दूसरा जगह हम पैसा कहाँ डाल सकते हैं, आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करके, नहीं तो और कहाँ डाल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या रहता है, बैंक, बैंक में अगर 1 साल हम वेट करते हैं तो कितना आता है, 7% के आसपास आता है, ठीक है। और तीसरा कहाँ डाल सकते हैं दोस्तों, तीसरा ऑप्शन क्या है,
मार्केट में डाल सकते हैं, लेकिन पता नहीं जब भी हम शेयर मार्केट में पैसा डालते हैं तो हमारा दिमाग कहाँ से कहाँ चला जाता है कि हम आज के डेट में ही इतना पैसा निकालना है, कल के डेट में ही इतना पैसा निकालना है, ये मंथ में हम फ्यूचर ऑप्शन में करके इतना पैसा निकाल लेंगे। अब देखिए, बात पैसे की नहीं होती है दोस्तों, बात पेशेंस की होती है, बात तजुर्बे की होती है, बात टैलेंट की होती है। आप जितने भी बड़े लोगों के बारे में सुनोगे, उन्होंने पैसा कम, टैलेंट ज़्यादा, स्किल ज़्यादा, एबिलिटी ज़्यादा, नॉलेज ज़्यादा लगाई थी। क्योंकि देखो, एक क्वेश्चन करता हूँ, देखो ठीक है, आप सोच के समझ के जवाब दीजिएगा। बहुत लोग ऐसे हैं जो टेंपल में जाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो लाखों रुपया डोनेट करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो करोड़ों रुपया डोनेट करते हैं, लेकिन पता ही नहीं चलता है इसमें भगवान गरीब है या इंसान गरीब है। क्या आप जवाब दे सकते हो भगवान गरीब है या इंसान गरीब है? नहीं, नहीं जवाब दे सकते। उसी तरह दोस्तों, आप बता सकते हो कि शेयर मार्केट गरीब है या हम गरीब है? हम शेयर मार्केट को पैसा देने आए हैं या शेयर मार्केट से पैसा लेने आए हैं? अगर हम शेयर मार्केट को पैसा देने आए हैं तो वो लोग हैं जो हर एक जगह से लाखों रुपया डालते हैं, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख डालते जाते हैं मार्केट में, डालते जाते हैं, डालते जाते हैं, ये सोच के कि और एक्स्ट्रा शेयर मैं खरीदूंगा, अगर मैंने 500 शेयर खरीदा है तो मुझे जो है मान लीजिए कि 1000 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, अगर मैं 1000 शेयर खरीद लूंगा तो मुझे 2000 रुपया प्रॉफिट होगा, ये सोच के। लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे पास जो कैपिटल है मैं उतना ही लगाऊंगा और मार्केट से पैसा निकालूंगा। निकालना है, क्योंकि यहां पर हम गरीब है, भगवान गरीब नहीं है, यहां पर हम गरीब हैं। और वहां पर मंदिर में कौन गरीब था? टेंपल में इंसान गरीब था। ठीक है, तो ऐसे पैसा लगाओ तो सही रहेगा। जितने दोस्तों मैंने बताया, मेरे हिसाब से जो मैंने आपको स्टॉक बताया, आप ऐसे ऐसे स्टॉक में पैसा लगाओ जहां से आपने लगाया है, जो मैंने आपको बताया वहां से आप निकल सकते हो। बाकी आपको कुछ ऐसे भी लोग हैं जो और भी सारे स्टॉक हैं जिसके बारे में आप पूछना चाहते हो, तो मैं बोलूँगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर एक्स्ट्रा वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। ठीक है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको कुछ डाउट है तो उसके बारे में मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके इनक्रीज़ कीजिएगा, और मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।